हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में। आज हम लोग सीखेंगे कि डिसेंड जो भी प्रेशर वेसल का एक पार्ट था, डिसेंड को बनाने में क्या प्रोसेस होता है और उसके लिए हम कितना उसका ब्लैंक डालें ताकि उसको हम प्रेस करके कैसे हम उसको बना पाए। उसके लिए हमको सबसे बहुत जरूरी होता है कि उसका ब्लैंक डायग्राम। चलिए हम देखते हैं। ये स्ट्रेट फेस होता है, ये कोई डिसेंड है जिसका थिकनेस ही है, और इंटरनल डायमीटर आईडी कैपिटल डी है। ये इसका इंटरनल डायमीटर है और ये यहां से यहां एक इसका स्ट्रेट फेस है। ये फेस स्ट्रेट होता है जिसको बोलते हैं एसएफ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट फेस एसएफ। और ये थिकनेस है टी, मोटाई, और यहां पर इसका जो मुड़ाव है ये कुछ, इसका रेडियस आर है और ये जो रेडियस है इसका कुछ ये आर है। अब ये एक डिसेंड है, तो डिसेंड क्या होता है कि कोई एक प्रेशर वेसल है, इसका ये सेल पोर्शन होता है और इसके इधर दो हेड में, दोनों साइड में डिसेंड लगे होते हैं। यहां पर कुछ नोजल्स रहता है, यहां पे कुछ सी सीम होता है, एल सीम होता है, ये एल एस है, ये सी एस है, ये एल एस है, ये सी एस है। तो ये पोर्शन होता है डिसेंड अगर, ये हेड कर सकते हैं या डिसेंड कर सकते हैं, ये भी डिसेंड है, ये बोथ साइड डिसेंड है। और ये पोर्शन क्या है, सेल। तो ये डिसेंड जो होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। पहला होता है टोरी स्फेरिकल, हेड। इसको 10% भी कह सकते। दूसरा होता है एलिप्सोइडल, तीसरा टाइप का होता है हेमी एस्फेरिकल, ये तीन तरीके के हम जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इंडस्ट्री में प्रेशर वेसल बनाने के दौरान। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ये टोरी स्फेरिकल, एलिप्सोइडल और हेमी स्फेरिकल हेड्स क्या होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमको कितना साइज का प्लेट काटना चाहिए, कितना डायमीटर का प्लेट काटना चाहिए ताकि हम उसे इस शेप का बना सकें। तो ये जो हम एग्जांपल आपको दिए, ये टोरी स्फेरिकल फर्स्ट का ये एग्जांपल है, टोरी स्फेरिकल 8 का।
तो अब इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेशर वेसल्स का मेन जो पार्ट्स होता है, ये नोजल वगैरह अभी में हम डिस्कस नहीं करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन पार्ट्स होता है ये सेल हो गया, ये हेड्स हो गया, और इसका इंटीग्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चूंकि इस शेप में है, और आप जानते हैं कि हमें इंडस्ट्री में प्लेट मिलता है, जो प्लेट का ऐसा प्लेट मिलता है, अब हमें इस तरीके का शेप बनाना है। ये क्या होता है, सेल कैसा होता है, सेल हो जाता है ऐसा, ये सेल हो गया जिसमें आपको रेडियस और ये लेंथ है, ये सिलेंडर टाइप का हो गया, और ये हेड्स ऐसा हो गया। हेड्स एक्चुअली 3D में आप देखेंगे वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये हेड हो गया जिसको डस्ट एंड भी बोलते हैं, ये हेड भी बोलते हैं, वो कैसा होता है उसके हिसाब से। ये बाउल ऑफ कटोरा, कटोरा के शेप का ये हो जाता है हेड, कटोरी के जैसा, और ये सेल आप ग्लास देखा होगा, ग्लास के जैसा हो जाता है सेल, सिलेंडर। अब चूंकि ये लंबा और चौड़ा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये प्लेट है जो वेरियस थिकनेस का आता है, और जनरली हम इंडस्ट्री में वो आप डिजाइन के हिसाब से आप चूज करेंगे, ऐसे 106 ग्रेड, ऐसे 106 जो प्लेट्स होता है, वेरियस टाइप के प्लेट्स हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो वर्क है 516, ऐसे 516 ग्रेड 70 एम ग्रेड 60 एम, मीन्स होता है नॉर्मलाइज्ड, और 60 मीन्स होता है 60,000 PSI जो कि इसका स्ट्रेंथ होता है, 70 मीन्स 70,000 PSI। तो ये वेरियस टाइप के हम लोग प्लेट्स का स्पेसिफिकेशन होता है वो इस्तेमाल करते हैं, जनरली वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन पे, कैसा डिजाइन करके दिया, लेकिन हम लोग अभी उसके स्पेसिफिक हम बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं हम आज की आपको हेड जो है, वो हेड के लिए हम इस प्लेट से कैसा शेप काटें ताकि हमारा ये हेड बन जाए। हम आज से ये सिलेंडर का भी बात नहीं करते हैं, आज सिर्फ हम हेड के लिए बात करेंगे। तो हेड, चूंकि ये हेड ऐसा बाउल के जैसा बनाना है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहां पर एक रेडियस है, यहां पर एक रेडियस है, ये रेडियस आर है, ये स्ट्रेट फेस है, और तब जाके ये ऐसा गोल राउंड बना है। तो ये सिलेंडर भी है, यहां से यहां अगर काट ले, ये दो पार्ट हो गए, एक सिलेंडर का पार्ट है जो कि ऐसा होगा, और एक बाउल का पार्ट जो कि रेडियस रेडियस है उसमें। तो ऐसा शेप बनाने के लिए हमें इस प्लेट में से कैसे कटिंग करना पड़ेगा कि हमारा ये शेप बन जाए। ये शेप बनाने के लिए हम जो कटिंग करेंगे उसके बारे में हम आपको अभी डिटेल में बता रहे हैं। तो देखिए, जब हम टोरस स्फेरिकल की बात करेंगे, टोरस स्फेरिकल हेड, पहला हम यहां लिख के रख देते हैं, पहला है टोरी स्फेरिकल, टोरस स्फेरिकल हेड, सेकेंड है इलिप्सॉइडल, इलिप्सॉइडल हेड्स, थर्ड है हेमी स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल हेड्स। अब मैं इसको रब करता हूं,
अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछे, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आप देखें कि हमारे पास क्या आता है, सिर्फ प्लेट आता है, जो कि प्लेट हमारा 10 मीटर का हो, 2.5 मीटर का हो, ये चौड़ा 2.5 और 10 मीटर का प्लेट होता है। थिकनेस हम मान लेते हैं 12 mm, 10 mm, जो भी हो, कुछ भी हो, ये हमारे पास सिर्फ प्लेट रहता है और इस प्लेट से हमको बनाना है टॉरी स्फेरिकल हेड। तो टॉरी स्फेरिकल हेड बनाने के लिए हमें जब ये देखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला से हम इसका ब्लैंक डाया निकालते हैं। ब्लैंक डाया कैसा, तो इसको हम इस तरीके से इस शेप में काट कर निकाल लेते हैं। ये जो काट कर निकलता है ये होता है ब्लैंक। ये ब्लैंक का एक ओडी होता है, ये ब्लैंक का कोई ओडी होता है, इसका एक रेडियस हो गया। इस रेडियस में हम मारेंगे, सेंटर यहां पर रखेंगे और एक कंपास से लेकर हम एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको काट कर निकाल लेंगे और ये जो ब्लैंक डाया हो गया हमारा, इस ब्लैंक को लेकर के हम एक मशीन आता है प्रेस मशीन, उस प्रेस मशीन में हम इसे प्रेस करते हैं। ग्रेजुअली प्रेस करते 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 हमें ये इस शेप में मिल जाता है, ये शेप में हमको मिल जाता है, जो ये थिकनेस रहता है, ये डायमीटर हो गया, आईडी हो गया, ये हमारा थिकनेस, जो थिकनेस मान लीजिए 12 mm थिकनेस का है, तो ये थिकनेस हमारा 12 mm ही रहेगा, वो थिकनेस में चेंज नहीं होता। लेकिन ये डायमीटर और यहां पर ये स्ट्रेट फेस हो गई, ये हम ये डाल देते हैं, ये लेंथ जो हमारा स्ट्रेट फेस है। और यहां दो तरह का देखिए मुड़ाव, एक है यहां छोटा मुड़ाव आर और एक यहां है बड़ा मुड़ाव। तो ये जो छोटा मुड़ाव होता आर, यहां चूंकि नकल है, ये हम नकल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नकल रेडियस, नकल रेडियस आर। और ये जो बड़ा सा मुड़ा है इसमें दो पार्ट्स हो जाते हैं इस तरीके का, एक जो कि सर्कुलर टाइप का हो जाएगा, एकदम है स्फेरिकल हो जाएगा स्फेरिकल, और ये जो पार्ट्स होता है वो थोड़ा झुका होता है, ये नकल रेडियस होता है और दूसरा होता है। तो इस पार्ट्स को हम लोग राउंड रेडियस बोलते हैं, राउंड रेडियस। अब देखिए इस प्लेट को मोड़ करके ऐसा बनाना है तो इसके लिए हमको यहां पे प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर जो हम लगाएंगे प्रेस करेंगे तो ये हमने टेम्पलेट बनाएंगे, एक ऐसा करके हम रेडियस का टेम्पलेट बना लेंगे, लेकिन इस टेम्पलेट का रेडियस जो आर होगा वो क्या होगा, ये हमारा टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, जब हम प्रेस करेंगे मशीन से तो ये टेम्पलेट लाके उसमें डालेंगे कि हमारा ये शेप जो है ये रेडियस वो बराबर मुड़ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये रेडियस क्या होगा, फिर हम दूसरा टेम्पलेट एक छोटा टेम्पलेट बनाएंगे जिसका रेडियस रहेगा स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। जब हम ये पोर्शन फॉर्मिंग कर देंगे
उसके बाद जब ये पोर्शन हमको फॉर्म करना होगा तो उसके लिए ये स्मॉल टेम्पलेट होगा, ये इसका टेम्पलेट है, इसका क्या रेडियस होना चाहिए ये जब तक हमको मालूम नहीं होगा तब तक हम किसी भी सूरत में इस डिस एंड को हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे अभी क्या जरूरत पड़ गई, सबसे पहले जरूरत पड़ गई कि हमको ये रेडियस मालूम होना चाहिए, ये रेडियस मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए कि कितना हमारा आईडी रहना चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ मालूम है थिकनेस और लेंथ विड्थ ऑफ प्लेट। तो ये साइज बनाने के लिए हमको जब तक ये तीन पैरामीटर नहीं मालूम होगा, स्मॉल रेडियस, नकल रेडियस, ग्राउंड रेडियस और आईडी, तब तक हम इस फॉर्म इसको नहीं फॉर्म कर सकते। इसके साथ साथ इसका ये हाइट हो जाता है, ये कितना डेप्थ रहेगा, ये यहां से यहां तक कितना डेप्थ रहेगा, कितना स्ट्रेट फेस रहेगा। तो हम बात करें नकल रेडियस का, तो नकल रेडियस जो होता है वो डी बाय 10 होता है, 10% ऑफ इंटरनल आईडी, इंटरनल डायमीटर, मींस डी बाय 10। ये जो आपका आईडी है कि इतना आईडी हमारा होना चाहिए, उस आईडी का 10% ये हो जाता है नकल रेडियस। यहां पे जो फॉर्मिंग होगा, ये छोटा सा जो फॉर्मिंग होगा वो फॉर्मिंग होगा डी बाय 10। और क्राउन रेडियस, ये क्राउन रेडियस क्या हो जाता है, क्राउन रेडियस डायमीटर के बराबर होता है। हम बात कर रहे हैं टोरी स्फेरिकल हेड का, अभी हम केस टू केस बात करेंगे, पहला बात करें टोरी स्फेरिकल हेड के लिए, तो क्राउन रेडियस क्या हो जाएगा, वो डी के बराबर हो जाएगा। मतलब डी क्या है, डी है इंटरनल डायमीटर, यहां पर क्या है, ये इंटरनल डायमीटर है, डी इंटरनल डायमीटर है, ये हमको मालूम होना चाहिए कि कितना डायमीटर का हमारा सेल का जितना ओडी है उसी के हिसाब से हम डिस्क का ओडी रखेंगे। तो हमारा ये नोन वैल्यू होता है, डायमीटर हमें पहले से पता रहता है कि हमें कितना डायमीटर का इसका ओपनिंग रखना है, तो हम उसके हिसाब से नकल रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे डी बाय 10 इंटरनल डायमीटर का 10%। आपको अभी तक समझ आ रहा होगा, अगर कोई आपको परेशानी आई या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका समुचित उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा। तो ये आईडी बाय 10 कर देंगे तो आपको नकल रेडियस मिल जाएगा जो कि यहां की फॉर्मिंग होगी। और क्राउन रेडियस, क्राउन रेडियस के लिए हम आईडी के बराबर का ही रेडियस लेंगे और वो हम यहां से क्राउन रेडियस को फॉर्म कर लेंगे। यहां ध्यान देने की बात है कि ये रेडियस हम बात कर रहे हैं, ये भी रेडियस है और ये डायमीटर है, क्योंकि रेडियस इज इक्वल डायमीटर इज इक्वल टू 2 times ऑफ रेडियस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये चूंकि डायमीटर, यहां का रेडियस जो है ये डायमीटर के बराबर होना चाहिए, तो क्राउन रेडियस जब हम टोरी स्फेरिकल हेड की बात करेंगे तो नकल रेडियस ही होगा और क्राउन रेडियस ये हो जाए। अब हम देखते हैं कि इसका हाइट क्या होगा, हाइट h, ये जो हाइट है यहां से लेकर के और इसका थिकनेस के बाद का जो पॉइंट रहेगा वो आईडी हाइट कहलाएगा। तो वो हाइट होगा
डी इंटू 0.194 प्लस एस एफ प्लस टी। अब देखिए ये एस एफ तो यहां से स्ट्रेट है और ये थिकनेस हम अगर एक लाइन खींचे यहां पर तो ये थिकनेस हमारा टी है और ये स्ट्रेट, ये दो चीज हमारा स्ट्रेट है वो तो हम आसानी से जोड़ देंगे कि ये स्ट्रेट शेप पोर्शन है। लेकिन यहां से यहां तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, क्योंकि अगर ये हेमिस्फेरिकल होता तो ये रेडियस के बराबर हो जाता, लेकिन ये हेमिस्फेरिकल नहीं है, यहां पर एक झुकाव है और यहां पर एक अलग झुकाव है, देखिए यहां से यहां एक पोर्शन में बटा हुआ है। तो इसके लिए इसका एक और फॉर्मूला आता है जिसमें अगर हम आईडी को 0.194 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाता है और इसमें हम एस एफ और टी जोड़ देते हैं तो ये हमारा टोटल हाइट मिल जाता है। आप इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर ले या समझ ले कि ये कैसे हो गया, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 0.194 टाइम्स ऑफ इंटरनल डायमीटर हो जाएगा इस इंटरनल डायमीटर के यहां से यहां, और ये फिर टी और ये फिर एस एफ जो स्टेट फेस, वो एस एफ जो है स्पेसिफिकली दिया रहता है कि आपको कि कितना स्टेट फेस है। वैसे जनरली हम लोग 50 mm या 100 mm जैसा रिक्वायरमेंट होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना हम एस एफ स्ट्रेट फेस करते हैं और ये रेडियस हो गया ये टी हो गया। तो ये हाइट भी आपको क्लियर हो गया कि हाइट कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैंक डाया की। इसी की हमें इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैंक डाया जिससे कि हमारा ये डायमीटर निकलेगा जो कि हम यहां से प्लेट से कट करेंगे, ये ब्लैंक डाया हम कैसे निकालेंगे। तो ब्लैंक डाया हो जाता है डी इंटू 1.1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस एफ, 2 टाइम्स ऑफ एस एफ ये स्ट्रेट फेस का 2 गुना और डायमीटर का इंटरनल डायमीटर का 1.11, अगर ये दोनों को हम जोड़ देते इसका डिस्टेंस, ये जो डी आएगा ब्लैंक डाया डी ब्लैंक ये वैल्यू आएगा, ये हमारा डी ब्लैंक जो है ब्लैंक डायमीटर ये हमारा इस फॉर्मूला से कैलकुलेट। अब ध्यान रखेंगे इंटरनल डायमीटर को 1.1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे जनरली एक बिगर फॉर्मूला होता है इसको शॉर्ट में हम कर दिया है 1.1 इंटू डी प्लस 2SF, ये रिमेंबर करने के लिए बहुत आसान है। तो यही डायमीटर को लेकर के मान लीजिए कि हमको एक मीटर का डिस्टेंस जो कि आईडी है उसका 1 मीटर है वो बनाना है और 50 mm का मेरा SF बना, तो हमारा डी इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर 1000 mm और एस एफ हमारा 50 mm हमको रखना है। तो हम इस केस में ब्लैंक डाया कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1000 इंटू 1.11 प्लस 2 इंटू 50 इक्वल टू 1110 क्योंकि 2 0 आफ्टर ये चला जाएगा प्लस 100। तो अब ये दोनों को जोड़ देते हैं 0 1 और ये हो गया 2 1210 यानी कि ये रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस ऑफ ब्लैंक क्या हो गया, रेडियस ऑफ ब्लैंक कितना हो गया 1210
डिवाइडेड बाय 2, 6 दुनी 12 है 0.5, 605 एम एम, यानी कि यहां से हम 605 एम एम का एक मार्किंग करेंगे, एक कंपास लेंगे 605 का लेकर के उसको घुमा देंगे, तो ये हमारा ब्लैंक डाया निकल जाएगा और ये ब्लैंक हमारा ये कट के निकल गया। अब इस ब्लैंक को हम प्रेस कर करके इस टेम्पलेट के हिसाब से हम इसको बना लेंगे, तो ये हमारा टोरी स्फेरिकल हेड बनकर निकल जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लीजिए कि ये टोरी स्फेरिकल हेड हो गया, इसमें हमने पानी डाल दिया, तो इसमें अप टू इस लेवल तक जो कि SF को छोड़ करके है, ये जो डॉटेड लाइन है इसको छोड़ करके हमको कितना पानी इसमें डालना पड़ेगा, वो पानी को अगर एक बीकर में निकाल के देखे तो उस बीकर में कितना वॉल्यूम हमको दिखाता है, कितना ml, कितना लीटर। और अगर हम SF के साथ करेंगे तो ये एक सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसमें जोड़ देंगे, तो यहां से यहां हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अभी हम आप बात करते हैं कि जिसमें SF को छोड़ करके बात करेंगे तो उसका हो जाएगा वॉल्यूम SF आर नॉट इंक्लूडेड, SF हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये SF एक सिलेंडर बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें SF को छोड़ दें तो ऐसा एक सिलेंडर बन जाएगा जिसकी हाइट SF है, ऐसा मीन्स की अगर हम 50 एमएम इसमें हम लिए एग्जांपल, तो ये 50 एमएम इसका SF है और ये आपको आईडी तो रेडियस दिया ही हुआ, तो इससे हमको आसानी से सिलेंडर का वॉल्यूम डाल देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन यहां पर हम इसका डिस्क का निकालते हैं टोरी स्फेरिकल को, तो इसका हो जाएगा d बाय 12 होल क्यूब इंटू 0.582, ये गैलन में होगा जब हम d को इंच में मेजर करते, डी द वैल्यू ऑफ डी इज इन इंच, जब हम डी का वैल्यू इंच में लेंगे तो हमारा मान गैलन में निकलेगा, तो डी बाय 12 होल क्यूब इंटू 0.582, ये एक फैक्टर है, 0.582 इज अ फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड बाय डी बाय 12 होल क्यूब, दैट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, हमने इस पार्ट का वॉल्यूम निकाला। अब अगर हम विथ SF निकालेंगे तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, लेकिन हम अभी इतना ही आपको बताते, तो ये है टोरी स्फेरिकल के लिए। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको दो, एक इलिप्सॉइडल हेड और दूसरा हेमिस्फेरिकल हेड। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस तरीके से फ्रेश पन्ना को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, हम हमेशा आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, कुछ टेक्निकल बातें करेंगे, कुछ हम बताएंगे कुछ आप बताएंगे, हम दोनों मिलकर सीखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ फ्रेश पन्ना के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत